Assalamu alaikum students, my name is Imran Anwar and I am working as an assistant professor in higher education department, government of the Punjab, and you are watching CSS Scope Club YouTube channel initiated by Sir Ehtisham John Bhatt. From today we are going to start a lecture series on essay writing. Essay writing, aapko hi pata hai ki CSS mein इस पेपर की कितनी वैल्यू है या पीएमएस में, क्योंकि पहला पेपर यही होता है और जो इम्प्रेशन पड़ता है आपका अपने ऊपर, मतलब ये कि आप खुद ही इवैल्यूएट कर लेते हैं ऐसे राइटिंग के बाद कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. इन दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव सम कॉन्सेप्ट्स about the basics of essay writings, as well as we are going to discuss the causes of the failure of the students. सबसे पहले हम देखते हैं कि essay writing है क्या. Essay एक French word essay से निकला है, essay से जिसका मतलब होता है try, attempt. Oxford University, Oxford Dictionary जो है, sorry, वो इस बात की इसको define करती है इस तरीके से कि आ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लेकिन इन तमाम डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ऐसे राइटिंग का सिलेबस क्या है जो डिमांड की जाती है फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन में या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के पेपर में, तो वो डिमांड क्या है. कभी आपने देखा है स्टूडेंट्स कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस निकाल के कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा हमें करना चाहिए. तो कभी आपने ये देखा है कि जो ऐसे राइटिंग का पेपर है उसमें उसने क्या सिलेबस दिया हुआ है. बहुत से लोग हैं जो इस बात को इग्नोर करते हैं कि ऐसे राइटिंग में क्या सिलेबस होगा. वेल, सिलेबस वाकई नहीं होता, लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ ऐसे राइटिंग के. मैं आपके सामने वो रीड करूंगा जो छोटा सा पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है ऐसे राइटिंग के सिलेबस को. अगर आप क्लिक करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, तो उसमें वो कहता है कि जो डिस्क्राइब करने वाला है सिलेबस को, कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक. मतलब यह है कि टॉपिक ज्यादा दिए गए होंगे और आपने एक टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो उसको डिपिक्ट करना है या बयान करना है उसको. अब रिसर्च बेस्ड हम लोग कितना करते हैं ये आप सबको ही पता है कि हम लोग आसानियों के पीछे जा रहे होते हैं कि कोई बना बनाया मटेरियल मिल जाए, किसी टॉपर का लिखा हुआ ऐसे मिल जाए. याद रखें कि ऐसे का कभी भी जो रिलेशन है वो किसी दूसरे ऐसे को पढ़ के या लिखे हुए के काम को देख के आप ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं बन सकते. ऐसे वो 3 घंटे में आपकी परफॉर्मेंस का नाम है जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में देनी है. तो इस वजह से वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज ज़रूर काम आता है आपके, और आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बयान करना होता है, ये सारी चीज़ें ठीक है. लेकिन अगली लाइन बड़ी अहम है जो उसने बयान की है सिलेबस में, कि कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश राइटिंग एसे विल बी एग्जामिन्ड. तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं जी. पहले नंबर पे उसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बाद उसने आर्टिकुलेशन की बात की है, और आर्टिकुलेशन के बाद जो है ना वो टेक्निकलिटीज़ की बात की है कि टेक्निकल ट्रीटमेंट जो है वो ऐसे की जो टिपिकल इंग्लिश ऐसे के साथ एसोसिएट की जाती है. अब इन 3 चीजों की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले एक्सप्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सप्रेशन है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एज वेल एज रीडिंग. हमेशा से आपने सुना होगा टीचर्स को कहते हुए कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, और जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो मैं वीकली एक ऐसे लिखवाता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन मेरा उनके साथ एक मौक़िफ़ होता है
जो मैं अपना मौकफ उनको पेश करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट में अगर असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप इधर उधर की मदद लें, लेकिन अगर रूटीन में आपने जब प्रैक्टिस कर ली 2-3 essays की, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि 3 घंटा अच्छा लिखने के लिए आपको उस टॉपिक पे कोई 3 दिन लगाने पड़ते हैं पढ़ने के लिए। होता क्या है फिर कि स्टूडेंट 3 दिन पढ़ता है, फिर 3 घंटे बैठ जाता है और उसके ऊपर एक्सप्रेस करता है अपने आप को और फिर एवेल्युएशन करवाता है। याद रखें ऐसे राइटिंग के 2 पार्ट है, एक पार्ट है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी टीच करना जो है, थ्योरी टीच करना टीचर का काम है और प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टूडेंट का काम है। और स्टूडेंट जब तक अपनी प्रैक्टिस और एवेल्युएशन दोनों चीज़ों को साथ लेके नहीं चलेगा, तब तक वो ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख लें। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो है वो क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैंने कहा कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड रीडिंग्स उसने कितनी की हुई हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ इसमें आएगी वो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब बेसिक इंग्लिश में जब हम एवेलुएट करते हैं बच्चों के एसेस को, तो नॉर्मली जो मैंने देखा है ना गलतियाँ, वो एग्रीमेंट मिस्टेक्स की होती हैं। अब एग्रीमेंट मिस्टेक्स से मैं क्या मुराद लेता हूँ, एग्रीमेंट मिस्टेक से मुराद है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक आ गई। फॉर एग्जाम्पल बच्चा लिख रहा है कि वन ऑफ द मेन काजेज आर, उसको काजेज लग रहे हैं तो वो आर लगा रहा है। तो इसका हमने प्लान किया है कि ऐसे राइटिंग से रिलेटेड सिर्फ जो एग्रीमेंट मिस्टेक्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, उसके ऊपर हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में पंक्चुएशन का एक्सप्रेशन में बड़ा रोल होता है। अब एक्सप्रेशन जो है वो आपको एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट्स से अलग करता है, एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से। फॉर एग्जाम्पल एक राइटर है या कोई लिखने वाला है ऐसे, या कोई सिंपल कोई स्टेटमेंट लिखने वाला है, तो हम कहते हैं जी कि सोशियोलॉजी में का पेपर आया हमारे सामने, तो एक राइटर लिख रहा है या एक बच्चा लिख रहा है कि इब्ने खल्दून इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब दूसरा लिख रहा है जी कि इब्ने खल्दून शाइन्स प्रोमिनेंटली इन द गैलेक्सी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट्स या मुस्लिम सोशियोलॉजिस्ट्स, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन और रीड और एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो एक्सप्रेशन डज मेक अ डिफरेंस। ओके, दूसरी चीज़ उन्होंने कही आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन क्या है, आर्टिकुलेशन को हम नॉर्मली लेते हैं कि मुंह से अदा की गई जो बात है या जुबान से आपने जो बोल दिया आर्टिकुलेट करना। आर्टिकुलेट सिर्फ स्पीकिंग तक महदूद नहीं है, आर्टिकुलेट का रिलेशन जो है वो आपकी राइटिंग से भी है। अगर आप डिक्शनरी में जाएं और आर्टिकुलेशन के मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करें तो उसमें आपको एक मीनिंग उसका मिलेगा कि जॉइंट ऑफ जंक्चर बिटवीन द बोन्स और इन द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब इनको अगर देखा जाए जॉइंट के तौर पे, तो इट इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स और इट इनडायरेक्टली हिंट्स एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द एसेज एंड ऑल द पैराग्राफ्स मस्ट बी यूनाइटेड टू क्रिएट अ यूनिफाइड होल, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द एसे एज इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी, एंड यू मस्ट कीप इन माइंड कि ये जो आपकी जो स्ट्रक्चर है ऐसे का, उसमें इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो पैराग्राफिंग है उनको कनेक्ट करना और एक दूसरे के साथ एक जॉइंट का काम देना, वो आर्टिकुलेशन में आ जाएगा। आई होप कन्वे हो गया होगा आपको। अब टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, देखें जी ऐसे राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। टेक्निकली देखा जाए तो जब हम इनकी डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स में आके हम क्लियर करते हैं जी कि किस किस तरह से हम किस टाइप को आगे लेके जा सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है, उसके अलावा फैक्चुअल ऐसे क्या है। दूसरे अल्फाज में अगर इन तमाम चीज़ों को मैं इकट्ठा करूं, जैसे कि उसने कहा था एडलेस हक्सले ने कि ऐसे इज़ अ लिटरेरी डिवाइस टू से almost everything about almost anything,
मतलब ये कि कोई भी चीज़ कहें और किसी भी चीज़ के मुतालिक, लेकिन इनको जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक फॉर्मल राइटिंग आती है ऐसे की और एक इनफॉर्मल आती है। जब फॉर्मल आती है तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जो हैं वो फॉर्मल वे को ही लेके चलते हैं। तो जब हम फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं इनकी वायोलेशन ही बच्चों के लिए जो है वो फेलियर का काज बनती है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस जो होंगे स्टूडेंट्स के जो मैंने क्लासरूम में मैं देखता हूं कि बच्चों के जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम एड्रेस करेंगे, लेकिन हम पहले काजेज़ को देखते हैं कि फेलियर की काजेज़ क्या होती हैं। एक कॉमन बिलीफ है बच्चों का कि जी ऐसे जो है वो बड़ी मुश्किल चीज़ है। नो डाउट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको लोग बर्डन समझ लेते हैं, अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि ऐसे अगर हमने करना है तो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर जी इंग्लिश विचो 40 नंबर आ जाएं ऐसे विचो, यानी इंग्लिश में 40 नंबर आ जाएं तो हम CSS क्लियर कर जाएंगे। मतलब उनका इतना प्रेशर होता है ऐसे का उनके ऊपर कि वो लोग समझते नहीं है इस बात को कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी देना है। और कुछ एक दो ग्रुपों को मैंने नॉर्मली देखा, एक वो जो बिल्कुल लाइट लेते हैं और एंड पे आके कहते हैं जी आखिरी 2 माह में हम ऐसे राइटिंग करेंगे बाकी हम पहले सारे सब्जेक्ट्स खत्म करना चाहते हैं, तो ये दोनों अप्रोचेज जो हैं वो गलत हैं। फिर एक और अप्रोच है कि थिंकिंग टू थिंक दैट वन सब्जेक्ट इज़ ओवरलैपिंग द अदर। मतलब सोशियोलॉजी पढ़ने वाला वो कहता है जी कि मैंने सोशियोलॉजी में सोशल इवल्स बहुत पढ़ी हैं तो उसमें चाइल्ड लेबर है, फीमेल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है, तो ये सारी चीज़ें मेरी मुझे ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगी। नो डाउट करेंगी, लेकिन जो ऐसे का स्ट्रक्चर है और ग्रामर है जो आपकी लैंग्वेज की परफेक्शन है वो चीज़ तो आपको सब्जेक्ट नहीं ना दे रहे, वो प्रैक्टिस से ही आनी है। फिर एक बड़ी वजह जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये बच्चों के लिए सॉल्वेबल हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है बाय कीपिंग इन व्यू सम थिंग्स। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है वो एक इसका अगेन, टीचर तो थ्योरी करवा देता है बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, तो एटलीस्ट वीकली या फोर्टनाइटली आपको एक ऐसे ज़रूर लिखना चाहिए। और जब लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगी जब प्रैक्टिस नहीं होगी और लैक ऑफ प्रैक्टिस होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, एवेल्युएशन भी नहीं होगी, आप एवेल्युएट भी नहीं करवा सकेंगे अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ चीज़ें तो ग्रामर की सॉल्व भी कर देंगे आपकी ऐसे राइटिंग के सीरीज़ में, वो एक दो चीज़ें होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, जैसे पंक्चुएशन है या ये मैंने बात की कि एग्रीमेंट मिस्टेक्स जो हम ज़्यादातर देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब की। तो मैं सिर्फ इन दो लेक्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एसेस की टाइप्स क्या हैं और मज़ीद हम इसको आगे लेके चलेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और पीछे देखें। थैंक यू।